30 अक्टूबर को निकलने वाले बारफात के जुलूस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही त्योहारों को मनाने की अनुमति दी गई है। इसके तहत कोई भी जुलूस या धार्मिक आयोजन होते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी जुलूस के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। जुलूस बारह वफात के या निकालने के लिए शासन ने 9 अक्टूबर 2020 को शासनादेश किया है, उसमें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के सभी त्यौहार सम्मिलित हैं, जिसमें बारह वफात भी है। और इन त्योहारों में निकलने वाले जुलूस, रैली या मूर्तियों की स्थापना के लिए प्रबंध किया गया है। जुलूस की परमिशन कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए उस हिसाब से दी जा रही है। मिनिमम व्यक्तियों की व्यवस्था के अनुसार ही जुलूस की परमिशन दी जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंस जुलूस में मेंटेन किया जाना है, अन्यथा कोविड एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और हर हालत में संक्रमण को फैलने से रोकना है।